हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बेसन मावा बर्फ़ी बिना चाशनी के, बहुत ही इजी मेथड में ये बर्फ़ी मैंने बनाई है। आप किसी भी फेस्टिवल में या कभी भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस छलनी में 2 कप बेसन डाल देंगे और बेसन को छान लेंगे। छानने से बेसन में अगर लम्स होगा तो वो निकल जाएगा, या कोई भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज होगी तो वो निकल जाएगी। अब चलिए बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी कढ़ाई गैस पर रख दिया है। कढ़ाई में हम 1/2 कप घी डालेंगे और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इस घी में हम बेसन डाल देंगे। अब बेसन को घी में अच्छे से स्टर करते हुए फ्राई करेंगे। घी अभी हमें थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच और घी डाल दूंगी और फिर से मिलाकर देखेंगे कि ये परफेक्ट है या नहीं। घी अभी हमें थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि बेसन जितना हम फ्राई करते जाएंगे बेसन घी छोड़ देगा। तो इस तरह से हिलाते हुए हम बेसन को फ्राई करेंगे। आंच को हम लो पर रखेंगे, नहीं तो बेसन जल जाएगी। इस बीच हम मावा को भी तैयार करेंगे। तो दूसरे गैस पे मैंने एक पैन को रख दिया है। इसमें मैं 500 ml दूध डाल दूंगी। दूध को बीच बीच में हिलाते हुए इसमें 1 उबाल आने देंगे। अब देखिए दूध में उबाल आ गई है। अब गैस स्लो कर देंगे और इस तरह से हिलाते हुए दूध को रिड्यूस कर लेंगे। बीच बीच में मैं देखिए बेसन को भी चेक करती जाऊंगी और अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करूंगी। बेसन को अच्छे से फ्राई करेंगे, बेसन कच्चा ना रह जाए इसका ध्यान रखना है। लो आंच पर थोड़ा सा टाइम लेकर हम बेसन को भूनेंगे। जितना आप इसे टाइम लेकर फ्राई करेंगे उतना ही बर्फ़ी अच्छी बनेगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है और बेसन ने घी भी छोड़ दिया है और इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से बेसन का टेक्सचर बदल जाएगा और बेसन में दाने बन जाएंगे। देखिए बेसन बिल्कुल दानेदार दिख रही है पानी डालते ही। तो बेसन अपना तैयार है। अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो चेक करते हैं, मावा भी अपना लगभग तैयार है। इसे और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अब देखिए मावा भी तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम मावा को गाढ़ा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। अब चलिए इसे बेसन में मिलाते हैं। तो मैं मावा को बेसन में डाल दूंगी और बेसन में मिला दूंगी। बहुत ही अच्छे से हम मावा को बेसन में मिक्स कर देंगे। अब देखिए मावा को मैंने बेसन में मिला लिया है। अब हम इसमें 1 कप बूरा डालेंगे। आप अगर चीनी डाल रहे हैं तो पाउडर बनाकर डालें। मिक्सर जार में चीनी को डालकर पाउडर बनाकर फिर इसमें डालें। बहुत ही अच्छे से हम बूरा को बेसन में मिला देंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया था। बूरा पिघल गई है और बेसन अपना बिल्कुल बर्फ़ी बनाने लायक बन गई है। लास्ट में हम 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे।
और इसी के साथ थोड़ा सा कटे हुए बादाम डालेंगे और 7 से 8 काजू को मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे और बेसन में सब कुछ अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब बर्फी को सेट करेंगे तो इसके लिए मैंने एक थाली ले लिया है, इसमें थोड़ा सा घी ब्रश कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, थाली में घी लगा देंगे और अब बर्फी के मिक्सचर को थाली में डाल देंगे, चारों ओर इक्वली डालेंगे। अब हम इस चम्मच से दबा दबा कर बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कटे हुए बादाम और पिस्ता डालेंगे। और इस चम्मच से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि बादाम और पिस्ता बर्फी के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब देखिए बर्फी सेट हो गई है, तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम बर्फी को काटेंगे। तो देखिए बर्फी ठंडा हो गई है और अच्छे से सेट भी हो गई है। एक नाइफ से हम बर्फी के पीसेस को काट लेंगे, आपको जैसे पीसेस पसंद है छोटी या बड़ी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बर्फी के पीसेस काट लिया है। अब इस साइड के जो छोटे पीसेस है इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी पीसेस निकली है। अब हम आपको इसे प्लेट में सजा कर भी दिखाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी दानेदार बर्फी बनी है, आप भी घर पर इसे ट्राई करें। जन्माष्टमी आ रही है तो एडवांस में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी तरह तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ के वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी फटाफट क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप देख पाएं सबसे पहले। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।